हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे बने रहिए और साथ ही अपने परिवार का ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य की सोराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका झारखंड। ठीक है, और किस किस को ये GI टैग मिला है? GI टैग ब्लैक राइस जो कि मणिपुर का है, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, टेरिकोटा जो कि गोरखपुर का फेमस है, इसे भी आपको क्या मिला है? GI टैग मिला हुआ है। कांडलाई मिठाई ये तमिलनाडु का फेमस है। ठीक है, एक आकृति है, इसको भी आपको क्या मिला है? GI टैग मिला हुआ है। और कश्मीरी केसर आप सभी इससे रूबरू हैं, उसको भी आपका क्या मिला हुआ है? जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, थोड़ा बात जान लें झारखंड के बारे में। तो भाई झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत सोरेन। ठीक है, यहाँ के क्या है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है झारखंड के? तो झारखंड के राज्यपाल हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर लें यहाँ, ये कब स्थापना हुई थी इसकी, झारखंड की स्थापना हुई थी आपकी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है झारखंड की? तो आपको सबको पता है, जहाँ से धोनी है महेंद्र सिंह धोनी, वहीं से रांची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरोस योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल क्या है? ठीक है, संधाना ऐप जो ट्रैक करेगा वायरस वालों को, वो भी कहाँ लॉन्च किया गया आपका? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका, ये भी कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और जल्दापारा और महानंदा देवी वर्ल्ड वाइड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये भी आपकी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लें, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, आप सभी जानते होंगे उनको। ठीक है, और उसके बाद वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर आपको पता है जगदीप धनखड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC की जो तैयारी कर रहा है, बैंक सिविल की तैयारी कर रहा है, तो करंट अफेयर वहाँ पर आते ही आते हैं, ये उनके लिए ही कराया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी पश्चिम बंगाल की? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो इस दिन क्या हुआ था आपका 1950, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन संविधान स्थापित होते हैं। ठीक है, बहुत सी नोट्स आपको पता चल गए इसमें। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है आपकी? कोलकाता इसकी राजधानी है। और पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर भी आपका क्या है? कोलकाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में नगर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों के उड़ान के लिए लाइसेंस की वैधता को कितने दिन बढ़ा दिया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका 90 दिन, यानी कि 3 महीना और बढ़ा दिया है। किसके? नगर विमानन महानिदेशालय ने। किन के लिए? पायलटों के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का चौथा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने fedchess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? इसका सही जवाब आपका चीन। ठीक है, चीन के बारे में जानने थोड़ा। एशियन यूथ गेम्स जो कि 2021 में होने वाले थे, वो भी रद्द कर दिए गए। कहाँ पर होने वाले हैं? चीन में होने वाले हैं। ठीक है, 19वें एशियन गेम्स जो कि 2022 में होने वाले हैं, वो भी कहाँ पर होंगे? चीन में। ठीक है, विंटर ओलंपियाड 2022 में, वो भी चीन ही कराता है। ठीक है, 2022 एशियन पारा गेम्स, ठीक है, FAFE, ये कौन कराता है आपका? चीन कराता है। नई डिजिटल करेंसी को, ठीक है, DCEP लॉन्च की, वो भी किसने की? चीन ने। ठीक है, चीन के बारे में थोड़ा और जान लें, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है आपका? सी जिनपिंग। ठीक है, यहाँ के क्या है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जेरी स्टिलर का निधन हुआ, वो कौन थे? इसका सही जवाब है, वो एक क्या थे? कॉमेडियन थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में फैट कब हॉट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही जवाब है आपका सानिया मिर्जा, जिसने क्या जीता? फैट कब हॉट अवार्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? मनमीत सिंह वालिया, तो इसका सही जवाब है आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंध रखते थे वो, और उनका निधन कितने वर्षों में हुआ? मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्षों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नौवें आठवें क्वेश्चन की तरफ।
आठवां क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है? इसका सही जवाब है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लें। जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य भी कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और साथ ही थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लें तो यहाँ के CM कौन है अभी? बहुत ही चर्चाओं में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है आपकी? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल मैंने आपको बताया था पूर्व में MP की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत में होने वाले फीफा U17 महिला कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? इसका सही जवाब है आपका 2021 के लिए। अभी क्यों किया है? ये कोरोना वायरस के चलते हुए इसलिए इसको क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। ठीक है, स्थगित करना पड़ा, नहीं तो ये आपके फीफा U17 महिला कप होने वाले थे। ठीक है, जो कि अब 2021 तक के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में CBSE के नए चेयरमैन अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही जवाब है आपका मनोज आहूजा, CBSE के नए चेयरमैन। ठीक है, CBSE क्या होता है? ये अलग एक बोर्ड मेथड है। ठीक है, जैसे हर स्टेट का एक गवर्नमेंट बोर्ड होता है, वैसे ही CBSE एक प्राइवेट बोर्ड है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन बने? मनोज आहूजा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य हुआ है? इसका सही जवाब है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद के बारे में जान लें तो ये कहाँ की राजधानी है आपकी? गुजरात की राजधानी है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट सिटी वहाँ की यही है अहमदाबाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके 12वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सैमसंग इंडिया ने किस राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? किस सैमसंग इंडिया ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? इसका सही जवाब आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपकी? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है आपकी? के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और राज्यपाल आपके बनवारी जी हैं, पर बनवारी अभी पूरा याद नहीं आ रहा मुझे, बनवारी जी यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही जवाब आपका MSME। ये कल क्वेश्चन मैंने कल आपको दूसरे तरीके से बताया था, आज थोड़ा घुमा के बता रहा हूँ। ठीक है, MSME मंत्रालय ने क्या करा है आपका? चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में जान लें, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना जो कि कहाँ शुरू की गई आपको? मध्य प्रदेश में। इम्यूनिटी को बढ़ाने, क्यों बढ़ाना इम्यूनिटी को? क्योंकि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए शरीर में आपकी इम्यूनिटी शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए जो कि आपकी कोरोना वायरस से लड़ सके। ठीक है, दूसरी आपकी जीवन शक्ति योजना, ये भी कहाँ शुरू की गई आपकी? मध्य प्रदेश में। इसका कारण क्या है? इसमें इस योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी जो कि 11 रुपये में सरकार को बेचेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपकी टॉप पेरेंट ऐप, ये किसके लिए शुरू किया गया? स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया MP यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और चौथा इसका पॉइंट है आपका संकल्प योजना जो कि उमरिया ज़िला में शुरू किया गया, बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, ये योजना भी शुरू की गई, ये भी आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में जानें तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन है अभी? मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के क्या हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है यहाँ पर? लालजी टंडन, बहुत अच्छा नाम है इनका जो कि याद रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में
कितने टन की बढ़ोतरी हुई? इसका सही जवाब आपका 40 से 40.45, ठीक है, इसकी इतनी बढ़ोतरी हुई है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि क्या करता है आपका, ये सभी बैंकों का एक प्रमुख बैंक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूं। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, कोरोना के रहते हुए आप घर से बाहर ना निकलिए, ठीक है, धन्यवाद।